नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं manoharanjana.com। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। दोस्तों आज हम ऐसे कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डोजी। उसको हम जो अभी करंट में जो ट्रेड में चल रहा है उसमें लाइव चार्ट में देखेंगे कौन से स्टॉक्स में वो बना है, डोजी का महत्व क्या होता है, कैसे बनती है वो डोजी, दिखती क्या है और कहाँ पर बने तो हमें क्या समझना है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेंड में बन रहा है, डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो उससे क्या इंटरप्रिटेशन करें और उसके बिहाफ पे हम पर्टिकुलर कौन से ट्रेंड में, यानी कि बुलिश में या बियरिश में, कौन से ट्रेंड में हम ट्रेड करें। तो दोस्तों हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कैंडलस्टिक के बारे में जिसका नाम है डोजी, वो दिखती कैसी है। दोस्तों पहले तो मैं समझा दूँ आपको डोजी होता क्या है, वो टेक्निकल एनालिसिस की बात में उसको कैसे समझाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में इसको किस तरह बताया जाता है, ये स्मॉल रहती है यानी कि छोटी रहती है लंबाई में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्मॉल ट्रेडिंग रेंज यानी कि बहुत छोटे दायरे में जब ट्रेड करने लग जाता है बाजार कोई सा स्टॉक या कोई सा इंडेक्स तो उस डोजी कैंडल बन जाती है। उसका ये मतलब होता है दोस्तों कि हाई भी लगाया है कैंडल ने, लो भी लगाया है, पर फाइनली वो क्लोज कहाँ हुआ है, जहाँ ओपन हुआ था मोटा मोटी वही। हालांकि टेक्स्ट बुक पैटर्न आजकल नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि कोई स्टॉक 100 पे खुला है उसने 98 का लो लगाया, 102 का हाई लगा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो 100 पे ही बंद होगा, तो ही हम मानेंगे डोजी ये मोटा मोटी 150 पैसा की 1 रुपये की ऊपर नीचे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि टेक्स्ट बुक पैटर्न अब आजकल नहीं मिलेंगे। और यदि आप टेक्स्ट बुक पैटर्न कोई ढूंढते रहेंगे तो आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पर भी हम लिख रखा है मैंने कि विद इन ओपनिंग रेंज एंड क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस आर वर्चुअली इक्वल है। और वर्चुअली मतलब संभव नहीं है वास्तविकता में, पर मोटा मोटी सेम ही होना चाहिए और कुछ इस तरह के प्लस के आकार की, जो डॉक्टर का साइन होता है उसके आकार की आपको कैंडल बनती दिखाई देगी। तो हम अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं चार्ट पर और वहाँ हम देखेंगे ये कहाँ बना है। तो ये रहा चार्ट, ये मैंने वो स्टॉक लगाया जिस पे बना है डोजी, NCC का वो स्टॉक है दोस्तों, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। और जैसा कि मैंने बताया था डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न है और जैसा कि मैंने बताया था प्लस आकार का, यानी कि ओपन और क्लोज लगभग लगभग मोटा मोटी वही होगा। तो पहले ओपन देख लेते हैं इस कैंडल की। यहाँ देखिएगा दोस्तों, जब मैं कर्सर कैंडल पे लेके जाऊँ अब यहाँ देखिएगा, देखिए दोस्तों ओपन इसका है 56.95 रुपये और क्लोज है 57.10 रुपये, 5 पैसे सॉरी माफ कीजिएगा, यानी कि 10 पैसे ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि लगभग लगभग वही क्लोजिंग दी है उसने। हालांकि हाई उसने लगाया है 57.70 रुपये का और लो लगाया है 56.35 रुपये का, लेकिन ना तो हाई पे क्लोज हुआ है ना कि लो पे क्लोज हुआ है, वो वहीं पे क्लोज हुआ है मोटा मोटी जहां पर उसने ओपन दिया था। तो हमारी जो डेफिनेशन है जो हमने अभी लिख रखी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर वर्चुअली इक्वल है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग मोटा मोटी सेम ही रहेगी। और यहाँ भी चार्ट में आपको ठीक मैंने ऐसा ही समझाया है और लाइव में भी आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव चार्ट में 19 नवंबर की जो कैंडल बनी है NCC में वो मोटा मोटी आपकी डोजी ही है। ऐसा कि ऐसा ही एक और मैंने कैंडल ढूंढ रखा है नेस्ले में, तो हम देखते हैं उसमें क्या हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो कैंडल है एज इट इज़ ही बनी है उसका। अब यहाँ देखिएगा जब मैं उस कैंडल पर अपना सर लेके जाऊँ तब देखिएगा कि मैंने ओपन देखिए 14,110 है और जो क्लोजिंग है वो 14,117 है, यानी कि 7 रुपये ऊपर। अब 14,000 के शेयर में 5-7 रुपये ऊपर नीचे दोस्तों चलता रहता है, ठीक है। अब उसने हाई लगाया 211 का, वहाँ भी बंद नहीं हुआ वो, और लो लगाया 14,000 का, वहाँ भी क्लोज नहीं हुआ, मोटा मोटी जहाँ वो ओपन हुआ है वहीं क्लोज हुआ है। तो हमारे डेफिनेशन को दोनों कैंडल फुलफिल करती है कि वर्चुअली जहाँ ओपनिंग हुई है वहीं का क्लोज होना चाहिए। अब कल अगर दोस्तों इसके ऊपर बाजार ट्रेड करने लग जाए तो हमें ये लगने लग जाएगा कि अब बायर हावी हो गए हैं
वो कीमत को ऊपर ले जाएंगे, और अगर इसके नीचे ट्रेड होता है कल तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो सेलर हैं वो हावी हो गए हैं और कीमत को हम नीचे खींच के ले जाएंगे। डोजी मरने का एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी होता है कि हम बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चलती है, जो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि ताकतवर कौन है, और वो कीमत जहाँ ओपन होती है वहीं क्लोज़ हो जाती है। अगले दिन डिसाइड होता है, अगर कीमत ऊपर चली गई तो बायर जीत जाते हैं, अगर कीमत नीचे चली गई तो सेलर जीत जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको कैंडलस्टिक की पूरी सीरीज जानना है और आपको प्रोफेशनली इसमें ट्रेड करना है तो हमारे द्वारा एक हिंदी में किताब लिखी गई है जिसकी सारी जानकारी manoharajana.com वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप अगर इसमें समझना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप और सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना चाहते हैं तो आप उस बुक को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। वो बुक दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आपको जिस भाषा में अच्छा लगे या पढ़ना अच्छा लगे, आपको समझ में आ जाए उस भाषा की आप किताब ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।